हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्जर्व ग्लोबल। और अगेन हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही प्यारी कंट्री जो कि है सेंट्रल यूरोप में, जिसका नाम है स्लोवेनिया। सो स्लोवेनिया इज़ अ पार्ट ऑफ शेंगेन, आप लोगों को पता ही होगा। ये बहुत फेमस कंट्री है और इस कंट्री का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं कन्फ्यूज हैं स्लोवेनिया को लेकर के कि क्या स्लोवेनिया कैसी कंट्री है, कहाँ पे है, कितनी सेफ कंट्री है, पीआर कितने टाइम में मिलेगा, अगर हम वर्क परमिट में जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, राइट। सो हम आपके लिए वैकेंसीज लेकर के आए हैं स्लोवेनिया में। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा स्लोवेनिया के बारे में जानें कि एग्जैक्टली स्लोवेनिया है कहाँ पे। सो गाइस, स्लोवेनिया जो कंट्री है वो आती है सेंट्रल यूरोप में। स्लोवेनिया का जो बॉर्डर है वो आप मान सकते हैं कि लाइक ऑस्ट्रिया है, क्रोएशिया है। सो जो कैंडिडेट्स हमारे क्रोएशिया जा रहे हैं वो चाहें तो स्लोवेनिया भी फ्यूचर में जा सकते हैं, राइट। सो स्लोवेनिया जो कंट्री है वो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर उनके लैंडस्केप्स देखने के लिए लोग आते हैं, लेक्स देखने के लिए आते हैं, ड्रामेटिक सिनेरियो देखने के लिए आते हैं, सीनरी, एंड सबसे ज़्यादा फेमस है स्काई रिजॉर्ट्स के लिए। ये जी हाँ गाइस, लाइक स्काई रिजॉर्ट्स जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग वो देखने के लिए आते हैं, राइट। सो टूरिज्म के मामले में स्लोवेनिया इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंट्री। आप अगर स्लोवेनिया जॉब करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ से फ्यूचर आपका जो है वो ब्राइट है, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज, अब मैं सेफ्टी की बात करता हूँ। सो इस कंट्री की अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में जो है स्लोवेनिया 7वें नंबर पर आता है वर्ल्ड में। सो गाइज, मुझे नहीं लगता कि अब आपको और भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। सो स्लोवेनिया में जो करेंटली हमारे पास वैकेंसीज हैं वो है हमारे पास हैवी ड्राइवर की, यू नो, हैवी ड्राइवर जो ट्रेलर ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, राइट। एंड वी आर फाइंडिंग कि धीरे धीरे हम आपके लिए और अच्छी वैकेंसीज लाते रहें, राइट। सो करेंटली वी हैव अ वैकेंसी इन अ ट्रेलर ड्राइवर है हमारे पास, जिसमें जो है जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। इंडियन लाइसेंस चलेंगे कैंडिडेट्स, बट उनके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, जिनको हम ट्रेलर ड्राइवर्स कहते हैं, राइट। सो गाइज, इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आपको इंडिया में ही आपको TRC मिलेगा इसका। यू विल गेट TRC इन इंडिया, राइट, फॉर स्लोवेनिया, राइट। सो इसका जो सिंपल सा प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंटेशंस हमें चाहिए। डॉक्यूमेंटेशंस में आपका पासपोर्ट, प्रॉपरली स्कैन कॉपी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और आपके जो भी हैं एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हमारे को, वो हमें रिसीव आप भेजेंगे हमें मेल के थ्रू। एंड देन आफ्टर दैट हम इसकी प्रॉपरली हार्ड कॉपी निकालेंगे, दैट मीन्स प्रिंट आउट निकाल के हम इनको अपोस्टाइल कराने के लिए देंगे। गाइज, इसका आप लोग प्लीज़ ध्यान से थोड़ा सा प्रोसेस समझिएगा। जब आप इसका सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे देंगे, हम इसको अपोस्टाइल करेंगे। अपोस्टाइल कराने के बाद फिर हम ये हार्ड कॉपी जो है स्लोवेनिया में कुरियर करेंगे, राइट। हम ये हार्ड कॉपी स्लोवेनिया में कुरियर करेंगे, ये कंपनी को रिसीव होगा। जब इसको कंपनी रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद जो है वो हमें जो है एक एम्बेसी की डेट देगा, ओके। जब वो एम्बेसी की हमें डेट देगा, उस डेट में हमें एम्बेसी में जाना है विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वो हमें एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे हमें भेजेंगे, राइट। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम ले करके हम सीधे एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी जाने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कराएंगे, राइट। उसके बीच में जो है, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद जो है यहाँ से इंडिया से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अगेन जो है स्लोवेनिया जाएगा। स्लोवेनिया जाने के बाद फिर जो है वहाँ से जो कंपनी है, कह सकते हैं वहाँ से जो उनका जो लेबर लॉ है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पुलिस है, वो सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद जो है एम्प्लॉयर को वहाँ पे TRC रिसीव होगा कैंडिडेट का। एंड कैंडिडेट यहीं से अपना TRC लेकर के जाएंगे, देन वो हमें हार्ड कॉपी कुरियर करेंगे, एंड देन हम यहां से TRC आपको देंगे और आप यहां से स्लोवेनिया के लिए रवाना होंगे। सो गाइज, बहुत ही प्यारा प्रोसेस है। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं स्लोवेनिया में, बट अभी हमारे पास फ़िलहाल यही वैकेंसीज हैं, तो जो भी जाना चाहें, राइट, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच गाइज़।